दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चेतन वर्मा। आज हम आए हुए हैं ग्राम खड़का में हमारे किसान भाई के पास, जिन्होंने मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया हुआ है। आइए जानते हैं उनको मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से उनकी फसल में क्या बदलाव आया है उन्हीं की जुबानी। किसान भाई अपना नाम बताएंगे। बुद्राम मंडवे से है ना, ग्राम खड़का के रहने वाला हूँ, जिला कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ जी। आपने पिछले बार रासायनिक खेती किया था और इस बार जैविक खेती में मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया हुआ है, मल्टीप्लायर से आप इस बार खेती कर रहे हैं। जी पिछली बार जो आपने खेती किया उसमें और अभी के जो मल्टीप्लायर का खेती है उसमें आपको क्या अंतर नजर आया? सर पिछले साल तो मैं रासायनिक डालता था, वो तसर मतलब वो जो फसल का उपज नहीं हो रहा था। जो अभी जो स्टार्टिंग में जो मल्टीप्लेयर का यूज किया तो अभी भरपूर दिख रहा है और एकदम मस्त दिख रहा है। उसका घन्ना भी और बाली भी एकदम मस्त लंबा है, उसका पत्ते भी पूरा हरे भरे चौड़ा दिख रहा है जी। अभी भी केचुआ जो निकलना शुरू स्टार्टिंग वो कर दिया, अभी भी काम कर रहा है। अच्छा, इनका पहले ही साल में आपको केचुआ का संकेत मिलना शुरू हो गया? जी बहुत ही अच्छी बात है जी। मतलब आपके खेत में केचुआ काम करना शुरू कर दिया जी। दोस्तों हम आपको मल्टीप्लायर और रासायनिक खेती में जो अंतर है उसको बाली के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये रासायनिक खेती का बाली है और ये इसका मल्टीप्लायर का, दोनों में अंतर देखिए, ये कितना कम है और ये कितना घना है। दूसरा दोनों की लंबाई देखिए, ये मैंने मैच कर दिया है। मल्टीप्लायर का कितना लंबा और भरा हुआ बाली है और रासायनिक का कितना कम है और बहुत ही कमजोर है। दूसरा चीज एक और मैं आपको अंतर दिखाना चाहूंगा दोनों के पत्तों में। ये रासायनिक धान के पौधे का पत्ता है और ये मल्टीप्लायर का, दोनों के आकार में, लंबाई, चौड़ाई और रंग दोनों में बहुत अंतर है। देखिए दोस्तों, पौधा जितना मजबूत होगा, पत्ते जितने चौड़े, लंबे और गहरे हरे होंगे, खाना उतना ही अच्छा बनेगा और उत्पादन उतना ही। रासायनिक का पौधा और उसको उसका पौधा दिखा दीजिए थोड़ा सा। अभी मैं आपको रासायनिक खाद का इस्तेमाल वाला पौधा दिखाऊंगा। ये रासायनिक खेती का वीडियो आवडल्यास लाइक करा, शेयर करा व सब्सक्राइब करा।